आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो घड़ी आ गई है कि आपकी बेचैनी थोड़ी कम हो जाएगी। ये आर्टिकल सुबह से लोगों के स्टेटस पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट हर ग्रुप में आ रहा था, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं इस पे वीडियो बनाना बेहद जरूरी है कि आप थोड़ा सा चिंता मुक्त हो जाए, लंबी सांस ले सके। तो प्लीज आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरी बात को समझने और सुनने की कोशिश करें। नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं छोटी पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ, स्टार्टिंग में ही बोलना चाहूंगा कि अगर कोई आपके पास प्रॉब्लम है, डाउट है करियर रिलेटेड, अपने स्टडी से रिलेटेड या काउंसलिंग से रिलेटेड, तो बेसिकली डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है काउंसलिंग वाला, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आप चाहो तो अपना पर्सनलाइज क्वेश्चन जो है वहां पे आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, तो उसका सब्सक्रिप्शन आप जो ले सकते हो। फाइनली नंबर पे व्हाट्सअप करना है, बाकी डिटेलिंग आपको मिल जाएगी। अब हम लोग आ जाते हैं फाइनली कि ये आर्टिकल कहाँ से मिला, किसका है। ये है माई सिटी रिपोर्टर, मैंने इसके बारे में पता करने की कोशिश की। तो ये एक ऑनलाइन पोर्टल है अमर उजाला का, ठीक है। और आई डोंट नो कि ये कैसे पॉसिबल है कि बहुत सारे बाकी जो न्यूज चैनल से बनारस में उन्होंने इस बड़े न्यूज को क्यों नहीं प्रिंट किया, क्योंकि ये न्यूज अपने आप में बहुत बड़ा है। बोला जा रहा है बीएचओ के बारे में, स्पोर्ट राउंड से भरी जाएंगी पीजी की 1200 सीटें, यानी लगभग 1200 सीटों की बात की जा रही है यहाँ पे कि हाँ, ये 1200 सीटों के लिए फाइनली स्पॉट राउंड बीएचयू में स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा न्यूज है। ये सबको प्रिंट करना चाहिए था अगर इसकी एथेंटिसिटी है तो इस न्यूज की। बहरहाल जो इस न्यूज में है हम उसकी बात करेंगे। अब माई सिटी रिपोर्टर, पैरेंटल कंपनी और फाइनली सीएससी मेंबर जानेंगे ये डेटा कहां तक क्या है। हाँ, लेकिन कमोबेश मैं आपको इस बात का तो एक आश्वासन दे ही सकता हूं कि इसमें बहुत सारी बातें जो है वो एज इट इज फॉलो होंगी आने वाले समय में, बाकी कल परसों तक में, क्योंकि अभी तो ये बस कुछ डेटा के साथ बात की जा रही है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि अभी आने वाले समय में पता चलेंगी। जैसे अभी इसमें लिस्ट की बात नहीं की जा रही है कि पर्टिकुलर एमकॉम में कितनी सीटें खाली हो रही हैं, एमए हिस्ट्री में कितनी सीटें खाली हो रही हैं। जहां तक मैं लास्ट ईयर से अपने यहाँ एक्सपीरियंस हूँ मैं खुद, तो स्पॉट राउंड आने से पहले सीटों का विवरण जरूर आता है। तो जब तक सीटों का विवरण नहीं आ जाता है आप आराम से उस वीडियो का इंतजार करिए, क्योंकि जब वो आएगा तो हम ये अंदाजा लगा सकेंगे कि भाई हम 3 महीने से घर बैठे हैं और फाइनली स्पॉट राउंड स्टार्ट होने जा रहा है, तो मैं फॉर्म में डालूं कि नहीं। समझ लो मेरी बात, तो ये बात मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए आर्टिकल क्या कहता है उस पर हम लोग जोर लगाते हैं। नए सिरे से होगा पंजीकरण, छूटे अभ्यर्थियों को भी मिलेगा मौका, यानी कि जो बच्चे ऑलरेडी बीएचयू में एनरोल्ड थे और वो अपना एडमिशन कहीं ना कहीं बाहर है एडमिशन से, और जो बच्चे बीएचयू में रजिस्ट्रेशन कराए ही नहीं थे शुरू से, उनको भी मौका मिलेगा, क्योंकि ये पूरा न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट है, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि सीएससी मेंबर का स्टेटमेंट क्या है, जो मेन हेड है क्या है, खाली सीटों पर प्रवेश के लिए अब स्पॉट्स राउंड होंगे, ठीक है। समर से खाली सीटों का विषयवार ब्योरा मिलते ही पोर्टल का विंडो एक्टिव कर दिया जाएगा। समर थर्ड पार्टी कोलैबोरेटिंग काउंसलिंग प्लेटफॉर्म है बीएचओ का, जो कि पूरी काउंसलिंग में इनकी मदद कर रहा है, ठीक है, पैसे लेके ध्यान देना। इसमें 5 चरणों के छूटे अभ्यर्थी के अलावा नए छात्र छात्राएं भी पंजीकरण करा सकेंगे। ये कोई न्यूज, आई एम नॉट श्योर बट समवन सेइंग, कोई चैनल बोला कि जिनका एडमिशन मिस हो गया है पेमेंट वो इसमें नहीं आ सकते, कोई ऐसा बोला कोई। मैं कहता हूं कि ऐसे न्यूज चैनल ऐसे यूट्यूब चैनल जब बोलते हैं, बोला ठीक है मैं एक बार एक्सेप्ट कर लेता हूं कि आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, पहली बात तो उनकी बात गलत हो गई, यहां पर देख रहे हो ऐसा नहीं है, मौका दिया जा रहा है, सबको दिया जा रहा है। मैं मानता हूं कि चलो एक बार आपने बोल दिया, यूट्यूब पे वीडियो बना हम भी बोल देते हैं कभी कभी भाई, लेकिन ये सरासर गलत भी तो था। तो आप बच्चों के हित में ये बात भी बोलते हैं कि अगर ऐसा होता है तो हम आवाज उठाएंगे, सीएससी के ऊपर दबाव डालेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग बोलेंगे कि ऐसा अगर होता है तो आपको ये चीजें बदलनी पड़ेंगी, मौका हर किसी को मिलना चाहिए। लेकिन बस लोग वीडियो बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं, बच्चों का साथ देने में नहीं रखते हैं। आप मेरे चैनल का रिकॉर्ड चेक कर लो, आपको हमेशा लगेगा कि एजुकेशनल मुद्दों पे एकदम पूरा का पूरा बच्चों के समर्थन में आ जाता हूं, पूरा का पूरा। तो भाई कहीं ना कहीं ऐसे चैनल को समर्थन तो मिलना ही चाहिए, तो क्यों देर कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। इसमें कोई बनावटी जीवन नहीं, मैं बात कर रहा हूं, ये सभी चीजें एकदम सही। आप लोगों ने अपने काउंसलिंग के दरमियान देखा होगा कि जिस तरीके से मैंने एक्टिविटी दिखाई है, हर साल ऐसा करता हूं, लोगों को लालटेन दिखाने का काम,
कभी कभी ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ गलतियां कर रहे हैं, और ऐसा मैंने कई बार इनको लेटर लिख के बताया है कि आप ये गलती सुधार लो, और सुधारा उन लोगों ने, एक्सेप्ट ना करें करो अलग बात है, लेकिन हमारा काम तो हो जाता है ना, बच्चों का भला हो जाए उसमें यही चाहता हूँ। यहाँ पे लगभग 1200 सीटों की बात की जा रही है, डेट दी जा रही है कि 28 जुलाई यानी कल तक ये पोर्टल ओपन होने की संभावनाएं रखी जा सकती है। ये जो बातें इसमें बोली जा रही है ना, इन बातों में हम लोग अगर थोड़ा सा 90% ही सत्यता माने तो ध्यान देना कि आप लोग जब वो सीटों का विवरण आ जाएगा तब एकदम प्योर हो जाना है कि हाँ फाइनली पोर्टल एक्टिव होने जा रहा है, बाकी तो मैं वीडियो बना ही दूंगा। यहाँ पे सीटें खाली का डिटेल है, क्या क्या है, आर्य महिला पीजी कॉलेज बताया जा रहा है कि लगभग 180 यानी 180 सीटें खाली है आर्य महिला पीजी कॉलेज में, डीएवी में 100, बीसीडब्ल्यू में 150 और बीकेएम में 120 और अभी भी बीएचयू के डीएमसी में 650 सीटें खाली हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है। अब आपको मैं थोड़ा सा अपना लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा कि 1200 सीटों में मैक्सिमम सीटें जो होंगी वो सीटें होंगी पेड सीटें, रेगुलर के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, लेकिन जब तक वो डिटेल नहीं आ जाता है तब तक हम नहीं कह सकते हैं। मैं चाहता था कि बीएचयू सीएसी मॉपअप राउंड लाने से पहले एक राउंड बिना लाए इंटरनली बच्चों का बस अपग्रेडेशन राउंड चलाता मोरलिटी बेसिस पे, वट एवर भगवान जाने की क्या चल रहा है, हो सकता है वो लोग अपने हिसाब से सही कर रहे हो। तो इसमें बहुत सारी डिटेलिंग है, ठीक है, और ये डिटेलिंग यानी ये न्यूज आर्टिकल जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, जल्दी से ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको मिल जाएगा और आप बकायदा इसको बैठ के पढ़िएगा। तो कमिंग वीडियो मेरा इंतजार करिए हॉस्टल से रिलेटेड, मैं आपको एक ऐसा वीडियो देने वाला हूं जिसमें अभी तक के हॉस्टल्स के पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा, लाइक व्हाट हॉस्टल्स मेरिट कैसे बनता है, हॉस्टल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यानी हॉस्टल्स का कट ऑफ जो है वो बेसिकली बनता कैसे है, किस डिपार्टमेंट में किस कोर्स में ज्यादा हॉस्टल के चांसेस होते हैं, किस राउंड तक के बच्चों को हॉस्टल मिल सकता है, और उसके बाद ये प्राइवेट बच्चे जो हैं जो प्राइवेट हॉस्टल में जाना चाहते हैं वो बेसिकली अपने हॉस्टल्स के जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉर्ट आउट करें, तो मेरा कमिंग वीडियोज है। इन तमाम वीडियोज को देखने के लिए जब सब्सक्राइब करें को प्रेस कर लें, प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन में नंबर है काउंसलिंग वाला, कोई डाउट है तो काउंसलिंग वाला आपको कॉन्टेक्ट करिए। एक हॉस्टल वाला करके भी लिंक है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ के जो प्राइवेट हॉस्टल्स हैं वीकेएम वीसीडब्ल्यू एएमपीजी बीएचयू के आजू बाजू में वो आपको रिकमेंड कर दिया जाएगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रिकमेंडेशन है मोरलिटी बेसिस पे, जैसे आपका साथ दिया गया। अभी मैं आपको लड्डू भी खिलाऊंगा, तो आप लोग मुझे लड्डू खिलाना, मैं आपको लड्डू खिलाऊंगा, मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं, हर हर महादेव।